और जिला परिषद में लेंगे। और अभी 17 तारीख के बाद राजस्थान की विधानसभा भी 4-5 दिन के लिए शायद चलेगी, जैसे हमने तय किया वहां भी हम मजबूती से, और दूसरी बात इसको और मजबूती के साथ अगर गंगानगर हनुमानगढ़ में बिना ऑनलाइन प्रक्रिया के गेहूं नहीं तुली तो गेहूं नहीं तुलेगी भाई 20%। इसलिए मजबूती से सारे किसान लड़ेंगे, हम आपके साथ रहेंगे, ये प्रस्ताव भी पास कराएंगे, हम सड़क पर भी प्रस्ताव को लेकर के लड़ेंगे। इसलिए मैं आप तमाम साथियों किसान साथियों से कहना चाहता हूं, भी हमारा किसी पार्टी से के जनप्रतिनिधि को इसमें घुसने देने का रोकने का इरादा नहीं था। सवाल ये कि आज जो 300 किसान शहीद हुए बॉर्डरों पर, उन बॉर्डरों के संघर्षों में जो जनप्रतिनिधि, जो किसान सभा के, जो संयुक्त मोर्चा के, जो विभिन्न संगठनों के किसान नौजवान शामिल हैं, उनको आह्वान है कि काले कानूनों का समर्थन करने वाले लोगों का विरोध करो। तो भाई मैं तो जनप्रतिनिधि हूं खुद, और मैं खुद ये महसूस कर रहा हूं कि मैंने राजस्थान की विधानसभा में भी ये बात रखी, इन कानूनों से किसान तबाह हो जाएगा, मंडी तबाह हो जाएगी, खरीद के खाने वाला तबाह हो जाएगा और पैदा करके बेचने वाला तबाह हो जाएगा। ये कानून सिर्फ और सिर्फ बड़े पूंजीपति के पक्ष में, ये गेहूं की ऑनलाइन खरीद की प्रक्रिया इसी बात का हिस्सा, मंडी में सामान नहीं आए, मंडी में किसान का माल नहीं आए, और किसान उन्हीं को बेच दे जो बाहर बैठेंगे, वो बेच करके सारा इकट्ठा वो कर लेगा जिसके पास गोदाम की सुरक्षा, गोदाम बना लिए जिसने, और यही जो आवश्यक सेवा वस्तु अधिनियम जो लिमिट खत्म की थी कि एक आदमी कितना ही खरीद सकता है, ये 1955 में कानून बना था कि एक आदमी सरकार से पूछे बगैर इस लिमिट से फालतू कोई नहीं खरीदेगा, स्टॉक करेगी तो सिर्फ सरकार करेगी, और सरकार पीडी सिस्टम से गरीब को खेती और मजदूर को बांटेगी। मैं किसान साथियों से एक बात और कहना चाहता हूं, हमारे लिए चुनौती है इस बात की कि खेती है वो देश में 58% लोग करते हैं, 41% भूमि खेती लायक है, लेकिन उस 58% उस किसान जो जमीन का मालिक है, जो खेती करता है, उसमें जो खेती और मजदूर काम करता है वो 64% है। 100 किसान काम करते हैं तो उसमें 64 आदमी ऐसे हैं जो खेती और मजदूर हैं, उसको आंदोलन में खींच के लाओ नहीं वो भूख मर जाएगा। बताओ उसको कि काले कानून अगर लागू रह गए, अगर काले कानून लागू रह गए तो जमीन का मालिक तो उस खेत में मजदूर बन जाएगा, जो उस खेत में मजदूर है वो सड़क पर आ जाएगा। तो आज ये सरकारों की विभिन्न योजनाओं से 2 रुपए किलो और 1 रुपए किलो खाने का पीने का राशन मिल रहा है, ये बड़ा पूंजीपति नहीं बांटेगा। पूंजीपति कल्याणकारी योजनाएं नहीं चलाता, पूंजीपति जेब के कल्याण की योजनाएं चलाता है। तो भाई इस आंदोलन को और व्यापक करने की जरूरत है। आप सब साथियों ने जो विरोध स्वरूप ये बात सुझाई है कि काले कानून वापस लेने चाहिए, हम आपके साथ हैं। हम इस उचित सदन में जो जिले का सदन है यहाँ भी प्रस्ताव पास करेंगे, और पास करके आपके समर्थन में राज्य और केंद्र को भिजवाएंगे, और राज्य की विधानसभा में हम बैठते हैं वहाँ ऑलरेडी हमने 3 कानून जो केंद्र के कानूनों को ओवरलैप करें वो कानून बनाए। लेकिन भाई मोटा मोटी बात यह है, मैंने उसी समय विधानसभा में कहा था कि राजस्थान के कानून अकेले काम नहीं करेंगे, जो क्योंकि जब खरीद की बात आएगी तो पेमेंट केंद्र की सरकार करती है, सारा कुछ सामान उसके पास है, जीएसटी से सारा टैक्स इकट्ठा होकर के केंद्र के पास जाता है, केंद्र फिर वापिस राज्यों को देता है। इसलिए केंद्र का कानून बहुत कीमती है। इस कानून को जो किसान के खिलाफ आया, मजदूर के खिलाफ आया, छोटे व्यापारी के खिलाफ आया, इस कानून को जब तक केंद्र की सरकार निरस्त नहीं करे तब तक हमारी जंग जारी रहेगी। हम आपके साथ साथियों, मैं थोड़ी सी आपसे इजाजत चाहूंगा, अभी एक कार्यक्रम है हमारा कलेक्ट्रेट में, हम उस कार्यक्रम में जाएंगे, उसके बाद जिला परिषद की एक बजे से बैठक शुरू है, उसमें आपके जो दोनों तीनों काम आपने कहे हम इसमें पीने के पानी